अवतल दर्पण में फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। इसी बात को स्थापित करने के लिए एक अवतल दर्पण MN लेते हैं। MN एक अवतल दर्पण है। P इसका ध्रुव है और C वक्रता केंद्र है और CP मुख अक्ष है। CP मुख अक्ष है। अनंत से मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख अक्ष से फोकस होकर जाती है। परावर्तन के बाद मुख अक्ष को फोकस पर काटती है। तो PF क्या हो गया? फोकस दूरी हो गया। और वक्ता केंद्र से आपतन बिंदु पर डाला गया लंब CB है। डाला गया लंब CB है। MN एक अवतल दर्पण, दर्पण है। P इसका ध्रुव है। ध्रुव है। CP मुख अक्ष है। अनंत से मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण AB है जो बिंदु B पर आपतन के बाद परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होकर फोकस पर पड़ती है। फोकस पर परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के बाद फोकस होकर जाती है। परावर्तन के बाद फोकस होकर जाती है। जाती है। CB आपतन वक्रता केंद्र से CB वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु B पर डाला गया अभिलंब है। क्योंकि AB समांतर CP इसलिए
एंगल ए बी सी बराबर एंगल एफ सी बी, एकांतर कोण। फिर एंगल ए बी सी बराबर एंगल एफ बी सी, परावर्तन के नियम से प्रकार एंगल एफ सी बी बराबर एंगल एफ बी सी, एफ बी सी। अतः त्रिभुज एफ सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए सी एफ बराबर बी एफ, यदि बिंदु बी ध्रुव के निकट हो, तो बी एफ बराबर पी एफ। क्योंकि पी एफ बराबर बी एफ है, इसलिए समीकरण एक और दो से सी एफ बराबर पी एफ। चूंकि सी पी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, इसलिए पी एफ प्लस पी एफ, चूंकि सी एफ बराबर पी एफ। सी पी वक्रता त्रिज्या है, सी पी बराबर आर, और पी एफ फोकस दूरी है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ प्लस एफ, आर बराबर टू एफ या एफ बराबर आर बाई टू। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोगुनी होती है